अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 36 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर एपिसोड की तरह इस वीक भी हम लास्ट वीक में डिसाइड किए गए मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें डिस्कस किए गए मेन प्रिंसिपल्स को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, राज बेगम डिसीज्ड थ्रू हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस अजायब जान डिसीज्ड थ्रू हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर्स, सिविल पिटिशन नंबर 230 ऑफ 2016। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट्स के प्रीडेसेसर्स ने एक सूट फॉर कैंसिलेशन फाइल किया, जिसमें उन्होंने प्रे किया कि अपेलेंट्स के प्रीडेसेसर्स के नाम पर जो इनहेरिटेंस म्यूटेशन बेटियों को उनके हक से महरूम रखकर अटेस्ट की जा रही थी, उसे कैंसिल कर दिया जाए। इस सूट को डिक्री कर दिया गया और इसके खिलाफ अपील और सिविल रिविजन दोनों ही डिसमिस हो गई। अपेलेंट्स ने फिर एक CPLA फाइल की, जिसमें उन्हें लीव ग्रांट कर दी गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये कि अगर एक शख्स पंजाब मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1948 के इनैक्ट होने से पहले ही वफात पा गया हो, तो क्या ऐसी सूरत हाल में सिर्फ मेल एयर्स ही प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकेंगे और फीमेल एयर्स नहीं। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि फीमेल एयर्स की इनहेरिटेंस में से एक्सक्लूजन का सवाल इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि मेल एयर्स ने फॉर्मल तरीके से प्रॉपर्टी कब एक्वायर की। अब वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 में सेक्शन 2A 1983 की ऑर्डिनेंस 13 के जरिए इंसर्ट किया गया और ये सिर्फ उन एग्रीकल्चरल लैंड्स के हसूल पर लगता था जो कि 15 मार्च 1948 से पहले हासिल की गई थी। अगर प्रॉपर्टी को फॉर्मल तरीके से अक्वायर या इनहेरिटेंस म्यूटेशन की अटेस्टेशन 15 मार्च 1948 की कट ऑफ डेट के बाद है, तो ऐसी सिचुएशन में मेल एयर्स की जानिब से फीमेल एयर्स को मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड करके प्रॉपर्टी इनहेरिट करना गलत है, क्योंकि ये शरीयत के असूलों के खिलाफ है जिसमें फीमेल एयर्स को भी विरासत में हिस्सा दिया गया है। इसी इशू पर कोर्ट ने ये अपील डिसमिस कर दी। चेयरमैन नैब थ्रू PG अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट नसरुल्ला एक्सेट्रा। चेयरमैन नैब ने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ लीव टू अपील सी की, जिसमें एक नैब रेफरेंस में रिस्पोंडेंट्स को पोस्ट अरेस्ट बेल्स ग्रांट हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि एक अक्यूज्ड फेसिंग नैब रेफरेंस को पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट करने के लिए क्या NAO 1999 के अंडर डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एक वैलिड ग्राउंड है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि एक अक्यूज्ड फेसिंग नैब रेफरेंस को पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट करने के लिए NAO 1999 के अंडर डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एक वैलिड ग्राउंड है, क्योंकि जब नैब ऑर्डिनेंस की वो प्रोविजन जो रिक्वायर करती है कि ट्रायल 30 डेज के अंदर कंक्लूड हो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो कोरिस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो ग्रांट ऑफ बेल बार करती है वो भी प्रोपोर्शनली प्लांट हो जाती है, और ट्रायल के कंक्लूजन में इनऑर्डिनेट डिले नॉट इन्विसेज्ड बाय द नैब ऑर्डिनेंस इनएविटेबली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 4, 9 और 10A की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को अट्रैक्ट करता है। लाहौर हाई कोर्ट, मुश्ताक अहमद वर्सेस मोहसिन इकबाल। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक सिविल रिविजन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लेंटिफ या रिस्पोंडेंट के हक में डिसाइड हुआ। पिटिशनर ने फिर इस डिसीजन को अपील किया और इस अपील को पार्शली अलाउ कर दिया गया। इसी अपील की बेसिस पर पिटिशनर ने यह सिविल रिविजन फाइल की, जबकि रिस्पोंडेंट ने इस हवाले से एक क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल की। इस केस में कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये कि क्या एक पार्टी की जानिब से किया गया इम्प्लाइड एडमिशन भी इस्टॉपल के प्रिंसिपल की बेसिस पर कोर्ट की जानिब से एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस मौजू पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने किया गया एडमिशन ख्वाह वो इम्प्लाइड ही क्यों ना हो, इस्टॉपल के प्रिंसिपल के ऊपर कोर्ट की जानिब से अपहोल्ड किया जाना चाहिए। ये मॉरल और एथिकल रूल्स के खिलाफ होगा अगर किसी शख्स को अपनी स्टेटमेंट या कॉन्डक्ट से रिट्रैक्ट करने की या वापस जाने की इजाज़त दी जाएगी और इससे लोगों का जुडिशरी के ऊपर से ट्रस्ट भी उठ जाएगा। कोर्ट के सामने दिया गया कोई भी एडमिशन, चाहे वो इम्प्लाइड हो या एक एक्सप्रेस स्टेटमेंट की फॉर्म में, सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज में एक लीगल इस्टॉपल के तौर पर ऑपरेट करता है। कानूनी शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 114 में दिया गया इस्टॉपल का डॉक्ट्रिन एक इक्विटेबल डॉक्ट्रिन है जो कि एक्सक्लूजन के तौर पर ऑपरेट करता है। इसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपने किसी एक्ट या ओमिशन के थ्रू कोई एक पोजीशन लेता है तो उसे यह पोजीशन बदलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, खास तौर पर अगर यह ऑपोजिट पार्टी को डेट्रीमेंटली या मनफी तौर पर इफेक्ट करेगा। इसी इशू की बेसिस पर कोर्ट ने इस रिविजन को डिसमिस कर दिया। असद जावेद अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड 2 अदर्स। इस केस में पिटिशनर UK में कन्विक्ट हुआ और उसको 25 साल की कैद हुई।
यूके में 6 साल और 8 महीने कैद काट के पिटिशनर को उसकी रिमेनिंग सेंटेंस सर्व करने के लिए पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया। पिटिशनर पेरोल पे अपनी रिलीज सीक कर रहा था क्योंकि उसने मोर देन 1/2 ऑफ द सेंटेंस सर्व कर दी हुई थी। इस पर जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने कहा कि पिटिशनर का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पेरोल पे अपनी रिलीज के लिए अप्लाई करना वेल विद इन हिज राइट्स था। हाई कोर्ट ने अथॉरिटी को अर्लियर डायरेक्ट किया था कि वो पिटिशनर की एप्लीकेशन एक स्पीकिंग ऑर्डर के साथ डिसाइड करें। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके केस को रेलिवेंट पेरोल ऑफिसर तक अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड अथॉरिटीज इन यूके रेफर करने की ऑब्लिगेशन से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हाई कोर्ट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और पेरोल ऑफिसर दोनों के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डायरेक्ट किया कि वो पिटिशनर की एप्लीकेशन को रिकंसिडर करें, लिहाजा पिटिशन डिसमिस हो गई। 2022 CLC 873 इमाम शाह वर्सेस बनत शाह, ये केस पेशावर हाई कोर्ट के सामने एक सिविल रिविजन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के उस ऑर्डर को चैलेंज किया जिसके थ्रू उन्होंने पिटिशनर्स की अपील रिजेक्ट की और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को मेंटेन किया था। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स ने एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया जिसमें उन्होंने प्रे किया कि उन्हें एक डिसीज्ड पार्टी के लीगल हेयर होने की वजह से पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में उनकी प्रॉपर्टी का लॉफुल ओनर शो होना चाहिए। अलबत्तः रिस्पोंडेंट्स ने अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ CPC के ऑर्डर 7 Rule 11 के नीचे एक एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ क्लेम भी पेश की जिसे ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स अपने आप को जिस शख्स का लीगल हेयर क्लेम कर रहे थे उन्होंने पहले ही इस प्रॉपर्टी के हवाले से एक सूट फाइल किया था जिसे सिविल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और अपोजिंग पार्टी के हक में फैसला सुना दिया। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने 2 मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि फ्रेज एस्टॉपल बाय एक्विएसेंस का क्या मतलब है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि एस्टॉपल बाय एक्विएसेंस कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 114 के नीचे फॉल करता है। एक्विएसेंस एस्टॉपल की ही एक किस्म है और ये तब अराइज करता है जब एक पार्टी अपनी राइट्स के बारे में जानते हुए दूसरी पार्टी को अपनी राइट्स की मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग पर एक्ट करते हुए देखती है और इसके बारे में कुछ नहीं कहती। किसी के एक्शंस पर चुप करके खड़े रहना और ऑब्जेक्ट ना करना या एक्विएसेंस एक एस्टॉपल क्रिएट करता है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में पिटिशनर्स के सक्सेसर के खिलाफ दी गई जजमेंट एक एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड है जिसका इफेक्ट ये है कि अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने एक इशू डिसाइड कर दिया है तो उसे सूट की किसी पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव दोबारा एजिटेट नहीं कर सकते। क्योंकि सिविल कोर्ट की इस जजमेंट को चैलेंज नहीं किया गया था इसने फाइनलिटी अटेन कर ली और ये एक एस्टॉपल के तौर पर ऑपरेट कर रही थी। इस केस का दूसरा इशू ये था कि ऑर्डर 7 Rule 11 के तहत प्लेंट के रिजेक्शन के क्या प्रिंसिपल्स है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि 2007 SCMR 741 के मुताबिक ऑर्डर 7 Rule 11 के तहत ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में प्लेंट रिजेक्ट करे। अगर प्लेंट रूल 11 के नीचे क्लॉजेस से हिट है तो कोर्ट एप्लीकेशन के बगैर भी प्लेंट रिजेक्ट कर सकता है। इसी बेसिस पर कोर्ट ने ये रिविजन डिसमिस कर दी। करीम नवाज एंड 4 अदर्स अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान एंड अदर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन डिप्टी कमिश्नर के पास किए हुए ऑर्डर को चैलेंज कर रही है। अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि सेक्शन 4 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंडर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन के लिए क्या मेयर एंडोर्समेंट बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काफ़ी है। दूसरा ये कि सेक्शन 17(4) और 6 के अंडर क्या कमिश्नर के अलावा कोई भी अथॉरिटी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रिपेयर कर सकती है। तीसरा ये कि सेक्शन 17 के अंडर किस किस्म की लैंड सब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन हो सकती है। चौथा ये कि सेक्शन 17(1) के अंडर एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। और आखिरी ये कि सेक्शन 17(2) के अंडर एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। जस्टिस शाहिद करीम ने पहले सवाल पे कहा कि सेक्शन 4 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन के लिए मेयर एंडोर्समेंट बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काफ़ी नहीं है। दूसरा ये कि सेक्शन 17(4) और 6 के अंडर कमिश्नर के अलावा कोई भी और अथॉरिटी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रिपेयर नहीं कर सकती। तीसरा ये कि सेक्शन 17 की अर्जेंसी प्रोविजन के अंडर स्कोप ऑफ एक्विजिशन 1960 की अमेंडमेंट के बाद एनी लैंड को एक्सपैंड हो गया था। चौथा ये कि सेक्शन 17(1) के अंडर एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए सेक्शन 5(5A) और अप टिल द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 9 सारी प्रोविजन के साथ कंप्लाई किया जाएगा। और आखिरी ये कि सेक्शन 17(2) के अंडर एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए एक रोल्ड अप प्रोसीजर है
which dispenses with Section 5 and 5A rights. Lahore High Court, Tariq Iqbal versus Election Commission of Pakistan and others. इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट ने मुतादद कनेक्टेड पिटिशंस का फैसला इकट्ठे सुनाया. ये सारी पिटिशन इलेक्शंस एक्ट और इलेक्शन रूल्स 2017 के कुछ बेसिक प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन की बात करती थी. पिटिशनर्स ने आर्टिकल 199 के तहत कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन इन्वोक करके इन्हीं प्रोविजंस की क्लैरिफिकेशन मांगी थी और डिलिमिटेशन कमेटी और डिलिमिटेशन अथॉरिटी के जानिब से कंस्टिट्यूएंसीज के हवाले से और इनकी लिमिट्स के हवाले से किए गए फैसलों को चैलेंज भी किया था. इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे. पहला इशू ये था कि क्या कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में डिलिमिटेशन अथॉरिटी और डिलिमिटेशन कमेटी के फैसले जुडिशियल रिव्यू कर सकता है. इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड प्रिंसिपल्स के मुताबिक कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन को बहुत ही ध्यान से गार्ड करता है. कोर्ट्स आसानी से किसी भी केस में अपनी जुरिसडिक्शन सरेंडर नहीं करते, खास तौर पर उन सिनेरियोज और केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं जहां कोई इलीगल एक्ट कमिट किया गया हो और इसे चैलेंज करने के लिए कोई भी रेमेडी या और फॉरम प्रोवाइड ना किया गया हो. कोर्ट के पास ये इजाज़त थी कि वो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस और एक्ट्स को रिव्यू करें और इनमें वो डिलिमिटेशन कमेटी और अथॉरिटी के फैसलों को रिव्यू कर सकते थे. इस केस का सेकेंड इशू ये था कि क्या कोई और रेमेडी अवेलेबल ना होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिलिमिटेशन ऑर्डर्स या नोटिफिकेशंस की दुरुस्तगी को एनालाइज कर सकती है. इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि डिलिमिटेशन अथॉरिटी के ऑर्डर्स के खिलाफ कोई भी रेमेडी नहीं दी गई, जिसकी वजह से इन ऑर्डर्स को आमतौर पर फाइनल समझा जाता है. अलबत्ता इसका यह मतलब नहीं कि पिटिशनर्स के पास इन्हें चैलेंज करने की कोई रेमेडी नहीं. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन की मुतल्लिका प्रोविजंस के नीचे कंस्टिट्यूएंसीज की लिस्ट को ठीक या ऑल्टर कर सकती है. इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 22 को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन के सामने कंस्टिट्यूएंसीज की अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन के हवाले से रिप्रेजेंटेशन करना ही एक रेमेडी है. सकीना बेगम एंड 29 अदर्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस्लामाबाद एंड फोर अदर्स. मार्शल लॉ ऑर्डर नंबर 425 की बेसिस पर सूट लैंड के डिसीजन के हवाले से डिस्प्यूट था, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मिस्कान जई, जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन एम शेख ने कहा कि NWFP के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने पिटिशनर्स को सुने जाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं की और उनको अनहर्ड कंडेम कर दिया. मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का एक्ट इस्लामिक लॉ के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ था. फेडरल शरीयत कोर्ट ने मार्शल लॉ ऑर्डर नंबर 425 को अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम डिक्लेयर कर दिया और शरीयत पिटिशन अलाउ कर दी. 2022 CLC 953, गुलाम मुस्तफ़ा खान वर्सेस अली शेर एंड सिक्स अदर्स. ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक सिविल रिविजन एप्लीकेशन के तौर पर पेश किया गया. इस केस के फैक्ट्स पर एप्लीकेंट्स ने एक सूट फॉर डिक्लेरेशन और मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल किया. एप्लीकेंट्स के मुताबिक उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 1 से कुछ लैंड खरीदी और वो इस प्रॉपर्टी के लॉफुल ओनर्स इन पोजेशन बन गए थे. अलबत्ता एप्लीकेंट के मुताबिक रिस्पोंडेंट नंबर 1 अब इस सेल से निकलने की कोशिश कर रहे थे. इस केस के फैक्ट्स पर एप्लीकेंट्स का ओरिजिनल सूट नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए डिसमिस कर दिया गया और फिर उन्होंने CPC के ऑर्डर 9 रूल 9 के नीचे एक एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट फाइल की. ट्रायल कोर्ट ने रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, जिससे ये सिविल रिविजन स्टेम करती थी. इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि रेस्टोरेशन ऑफ सूट के क्या प्रिंसिपल्स है. कोर्ट ने कहा कि इस केस के फैक्ट्स पर ट्रायल कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम करने के 3 महीने बाद ही सूट डिसमिस कर दिया और एप्लीकेंट्स को कोई वार्निंग नहीं दी गई कि अगर वो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा. इसके अलावा एप्लीकेंट के काउंसिल के जूनियर काउंसिल कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन वो अपने सीनियर के बिहाफ पर एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन इसलिए नहीं दे सके क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सीनियर पेश हो जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि लॉ की पॉलिसी एडजुडिकेशन के फेवर में ही है और डिफॉल्ट में सूट का डिसमिसल इस जनरल रूल या पॉलिसी की लिमिटेड एक्सेप्शन होनी चाहिए. ये एक कंसिस्टेंट रूल है कि रेस्टोरेशन के मामले में कोर्ट को जेनरस होना चाहिए और कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि पार्टीज को एविडेंस प्रोड्यूस करने की और मेरिट पर डिसीजन सीक करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए. अगर कोर्ट को रेस्टोरेशन के लिए सफिशिएंट कॉज नजर आए तो उन्हें जस्टिस के लिए सूट रिस्टोर कर देना चाहिए. इसी बेसिस पर इस रिविजन को अलाउ कर दिया गया. कमर अब्बास अगेंस्ट मुमताज अहमद मिन्हास एक्सेट्रा. पिटिशनर ने सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स रिकवरी ऑफ पोजेशन इंस्टीट्यूट किया, जो एक्स पार्टी डिक्री हो गया. अब अदालत के सामने सवाल ये था कि डिक्री पास करने के टाइम पे सेक्शन 149 CPC की टर्म्स में कोर्ट जो टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है, क्या वो लिमिटेशन पीरियड की एक्सपायरी के बाद फुलफिलमेंट ऑफ इम्पोज्ड कंडीशन के टाइम को एक्सटेंड कर सकता है.
जस्टिस चौधरी मोहम्मद मसूद जहांगीर ने कहा कि डिक्री पास करने के टाइम पे सेक्शन 149 सीपीसी की टर्म्स में कोर्ट जो टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है वो लिमिटेशन पीरियड की एक्सपायरी के बाद फुलफिलमेंट ऑफ इम्पोज कंडीशन के टाइम को एक्सटेंड नहीं करता, क्योंकि कोर्ट फंक्टस ऑफिशियो बन जाता है। इसके साथ ही आज का बुलेटिन यही ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।